राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के चेयरमैन बने शंकर यादव का कहना है कि प्रदेश में दलितों की बिंदौलिया रोके जाने की जो घटनाएं पिछले दिनों सामने आई है उन पर रोकथाम करना सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार दो लेवल पर काम करेगी, इसमें एक तो सोशल अवेयरनेस पर काम करेंगे, दूसरा कठोर कानून बनाकर ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। चेयरमैन बनने के बाद पहली बार उदयपुर आए शंकर यादव ने कहा कि ये एक सामाजिक बुराई है, मानवता पर कलंक है। राम, महावीर, कृष्ण या महात्मा गांधी सभी ने समानता का संदेश दिया था, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। शंकर यादव ने कहा कि दलित वर्ग में 59 जातियां हैं और उनकी अलग अलग उपजातियां हैं। इन जातियों के विकास की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने मुझे दी है। इस निगम को आयोग का दर्जा देकर दलितों का मान बढ़ाया है। हमारा काम छोटे लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा, साथ ही उनके उत्थान के लिए उन्हें रियायती दर पर लोन देना और उन्हें एजुकेशन देकर आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। ऐसे लोग जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। शंकर यादव ने प्रदेश में बची शेष राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहा कि अशोक गहलोत एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वे संगठन के व्यक्ति हैं, उनके मन में यह भावना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाए। गहलोत चिंतित है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कैसे किया जाए। मुख्यमंत्री ने तैयारी कर रखी है कि बहुत जल्द कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेंगे। हाल ही में पेश हुए बजट को लेकर शंकर यादव ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, भाजपा विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है। यह सदी का सबसे ऐतिहासिक बजट है, हर तबके हर वर्ग के लिए बजट है, किसी वर्ग को अनछुआ नहीं रखा। आज कर्मचारी वर्ग खुश है, ये सबसे बड़ी बात है। भारत के सभी राज्यों में अशोक गहलोत का बजट एक मॉडल बजट होगा। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।